तो फाइनली गाइज आज हमारे पास होंडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटी होंडा की एक्टिवा 6G का प्रीमियम एडिशन। गौर कीजिएगा, प्रीमियम एडिशन में आपको तीन कलर वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मैट सैंग्रिया रेड मेटेलिक, मैट मार्शल ग्रीन मेटेलिक और पर्ल सायरन ब्लू कलर। ये तीन कलर वेरिएंट आपको प्रीमियम एडिशन में देखने को मिलेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने मैट मार्शल ग्रीन मेटेलिक का रिव्यू दिया, आप लोगों का बहुत प्यार मिला। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे उपलब्ध है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। और आज ये हमारे पास है इसका दूसरा कलर वेरिएंट, जो कि है पर्ल सायरन ब्लू कलर। और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको डिटेल में देंगे कि क्या नई चीजें इसमें आपको मिलती है, क्या नए अपडेट है और अब आपको इसकी ऑन रोड प्राइस कितने रुपए देखने को मिलेगी। तो सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार, आप देख रहे हैं राइडर एकेवी। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो स्क्रीन पे आपके सामने है होंडा की एक्टिवा 6G का प्रीमियम एडिशन, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। काफी प्रीमियम और खूबसूरत कलर वेरिएंट के साथ में इसे लॉन्च किया है। टोटल इसमें आपको तीन कलर वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो ये इसका पर्ल सायरन ब्लू कलर वेरिएंट है, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। काफी प्रीमियम कलर वेरिएंट है। आपको ये कितना ज्यादा पसंद आता है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए बात करते हैं हम इसके प्राइस की, जो कि आप सभी लोगों का पहला सवाल होता है। तो गौर से सुनिएगा, एक्टिवा 6G प्रीमियम एडिशन का जो कंप्लीट ऑन रोड प्राइस है वो आपको 90,000 to 91,000 rupees, 90,000 to 91,000 rupees के बीच में कंप्लीट ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। चलिए प्राइस की बात हो गई, स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ फ्रंट में आप हेडलैम्प पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फुल LED सपोर्टेड हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपको एक्टिवा 6G के डिलक्स वेरिएंट में देखने को मिलता है। सेम टू सेम वैसा ही आपको यहाँ पे फुल LED सपोर्टेड हेडलैम्प मिल जाता है। ऊपर आपको क्रोम बेजल भी मिल जाता है, लुक को काफी इनहेंस करता है। और जो साइड इंडिकेटर है वो आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बॉडी फिटेड देखने को मिलते हैं। जो इसका कलर है वो आपको काफी प्रीमियम देखने को मिलेगा। यहाँ फ्रंट में आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है गोल्डन कलर में। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको गोल्डन फिनिश के साथ यहाँ पे बेजल मिल जाते हैं और उसके साइड में आपको चॉकलेट ब्राउन कलर का लुक देखने को मिल जाता है, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करते हैं। तो जो इसका कलर वेरिएंट है, जो कलर है वो आपको काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा। वहीं फ्रंट ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है और जो फ्रंट का टायर है वो आपको 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिलेगा। जो नई चीज ऐड की गई है वो इसके व्हील है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गोल्डन कलर के आपको इसके अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको गोल्डन फिनिश हर जगह देखने को मिल जाएगी। साइड में आपको साइड रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो कि नाइट के टाइम काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो आपको हमेशा की तरह टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। सस्पेंशन क्वालिटी को लेकर नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार पे आपको इंटीग्रेटेड स्विच मिलती है, लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच एक ही स्विच में मिलेगी, नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच और उसके नीचे आपको हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। जो मिरर है वो आपको रेगुलर डिजाइन के देखने को मिलेंगे, इसमें भी कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। और ये है इसका मेन मीटर कंसोल, जो कि आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। ओडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी चीजें आपको एनालॉग देखने को मिलती है। जो मीटर कंसोल का डिस्प्ले है उस पे आपको कलरफुल डिस्प्ले मिल जाता है, अंदर आपको कलरफुल डिस्प्ले मिलता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी आपको काफी अच्छी मिलती है। और जब नाइट के टाइम इसमें रोशनी जलती है तो और भी ज्यादा ये निखर के आता है। तो मीटर कंसोल फुली एनालॉग रखा गया है, इसमें डिजिटल जैसी कोई भी सुविधा आपको प्रोवाइड नहीं की गई है। यहाँ पे आपको इंजन मॉल फंक्शन लाइट के साथ हाई बीम इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर भी आपको मिल जाते हैं। तो मीटर कंसोल आपको फुली एनालॉग देखने को मिलेगा। बीच में आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफी सही लगता है। और राइट हैंडल बार पे भी आपको इंटीग्रेटेड स्विच मिलती है, एक ही स्विच से आप अपने इंजन कील को ऑन ऑफ और स्टार्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्विच मिलता है और होंडा कंपनी अपने सभी बाइक और स्कूटी में इंटीग्रेटेड स्विच ही प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इग्निशन के पास आपको चाबी लगाने की जगह देखने को मिलेगी और उसके साइड में आपको एक स्विच प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप अपने पेट्रोल ढक्कन को ओपन कर पाते हैं और अपने सीट को भी ओपन कर पाते हैं। तो ये मुझे काफी सही लगता है कि यहाँ पे आपको एक स्विच प्रोवाइड की गई है आगे ही, जिससे कि आप अपने पेट्रोल ढक्कन को और अपने सीट को ओपन कर पाते हैं। दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिलता है, बीचों बीच आपको एक नॉर्मल सा हुक देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने किसी भी सामान को कैरी कर पाते हैं। और जो फुट स्पेस है वो आपको फुट स्पेस काफी बेहतर मिलता है, लंबी हाइट के हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटी हाइट के हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फुट स्पेस आपको काफी बेहतर मिलता है। जो सीट कंफर्ट है वो भी आपको काफी बेहतर मिलता है, सीट कंफर्ट को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। साइड पैनल पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिवा प्रीमियम की ब्रांडिंग मिलती है 3D एम्बर्ड गोल्डन फिनिश के साथ में, और नीचे आपको प्रीमियम की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है गोल्डन कलर की। तो ये इसके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करता है। और ये जो बॉडी है ये आपको मेटल बॉडी देखने को मिलेगी, फाइबर का इस्तेमाल इसमें आपको काफी कम देखने को मिलता है, तो ड्यूरेबिलिटी आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको बॉडी कलर से मैच करता हुआ ग्रैब रिल भी मिल जाता है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 109.5.6
सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फैन कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है। जो मैक्स पावर है वो आपको 7.64 PS की मिलेगी 8000 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क है वो आपको 8.84 न्यूटन मीटर की मिलेगी 5500 RPM पे। तो पावर और टॉर्क भी आपको काफी बेहतर मिल जाता है। एडिशनल फीचर में आपको ESP होंडा इनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ साइलेंट स्टार्ट विद ACG सिस्टम भी मिल जाता है, जो कि फ्रिक्शन को काफी हद तक रिड्यूस करता है, इंजन की स्मूथनेस और भी ज्यादा बेहतर कर देता है, जिससे आपको स्मूथनेस काफी ज्यादा बेहतर मिलती है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इनकेस अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है तो आप किक से भी इसे स्टार्ट करके ऑपरेट कर पाएंगे। रियर प्रोफाइल में जो रियर का सस्पेंशन है वो आपको 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलता है। तो जो रियर का सस्पेंशन है उसे आप 3-स्टेप तक एडजस्ट करवा पाएंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो ये भी काफी सही है। और वहीं रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में भी आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, और जो रियर का टायर है वो आपको 90x100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो आगे वाले टायर की साइज 12 इंच की रखी गई है और पीछे वाले टायर की साइज 10 इंच की रखी गई है, इस चीज का गौर कर लीजिएगा। रियर प्रोफाइल में ये जो सेक्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका पेट्रोल ढक्कन है, जो कि आपके आगे इग्निशन के पास जो बटन दी गई है उसे पुश करने पे ये ओपन होता है। तो आपको पेट्रोल फिलअप करवाने के लिए बार बार सीट को ओपन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टैंक आपको सीट के बाहर देखने को मिलती है। तो ये काफी सही है कि आपको बार बार सीट को ओपन नहीं करना पड़ेगा। वहीं रियर सेक्शन का जो टेल लैंप है वो भी आपको सिग्नेचर टाइप का टेल लैंप देखने को मिल जाता है, काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। बॉडी फिटेड इसमें आपको टेल लैंप और इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। दूसरे साइड भी आपको एक्टिवा की ब्रांडिंग मिलती है, एक्टिवा प्रीमियम की ब्रांडिंग मिलती है 3D एम्बर्ड गोल्डन फिनिश के साथ में। और रियर सेक्शन में भी आप देखेंगे तो रियर व्हील में भी जो आपको अलॉय व्हील मिलता है वो भी आपको गोल्डन कलर का देखने को मिलेगा, तो ये इसके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करता है। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको 5.3 लीटर की देखने को मिलेगी, 5.3 लीटर तक आप इसमें फ्यूल फिलअप करवा पाएंगे। और जो इसका बूट स्पेस है वो आपको काफी बेहतर बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बूट स्पेस काफी ज्यादा है, तो आप अपने किसी भी सामान को इसमें आसानी से रख पाएंगे, तो बूट स्पेस को लेके भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। डायमेंशन की बात करें तो जो इसकी लंबाई है वो आपको 1833 mm, चौड़ाई 697 mm, हाइट 1156 mm, व्हील बेस 1260 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm, सीट लेंथ 692 mm, और कर्व वेट 106 kg का मिलेगा। तो 106 kg ये पूरी स्कूटी का वेट है। तो कैसी लगी ये स्कूटी और कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।